अपने बयानों से चर्चा में रहने वाले लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव का एक और बयान सामने आया है। इस बार उन्होंने कुम्हरार के भाजपा विधायक अरुण सिन्हा को निशाने पे लिया। एक सरकारी कार्यक्रम में पहुंचे तेज प्रताप ने जब स्थानीय विधायक को नहीं देखा तो उसे डरपोक बताने लगे। कार्यक्रम एक पार्क के उद्घाटन से संबंधित था, उसमें विधायक ने आना मुनासिब नहीं समझा। उनकी गैर मौजूदगी पर तेज प्रताप ने चुटकी लेते हुए कहा कि पहले वो हमारे पिता से डरते थे, अब वो हमसे भी डरने लगे हैं। यह हमारी जीत नहीं है, पूरे बिहार के लोगों का और देश भर के लोगों की जीत है, खासकर महागठबंधन की जीत है। और उसी जीत के कारण आज जो पार्क का जो उद्घाटन हम किए हैं, यहाँ का स्थानीय विधायक गायब हो गया है, यानी वो डर चुका है। भाजपा पूरे तरीके से डर चुका है, बीजेपी का जो विधायक है डरपोक है, पूरे तरीके से डर चुका है। वो असलियत सामने आ गया है। जनता ने मौका दिया, लेकिन जनता के मौके को इसने गंवाने का काम किया है, दुरुपयोग करने का काम किया है। हाँ भैया, हाँ सही बात, भरोसे को तोड़ने का काम किया है। तो हम ये कहेंगे कि ये सब भगोड़ा है, वो डर गया, वो तो पहले ही डर, हमारे पिताजी से डरता था, अब हमसे डर के भाग गया। क्या चाहिएगा कि सुशील मोदी इस पार्क में पहले आए, क्योंकि वहीं के रहने वाले सुशील मोदी जी, सुशील मोदी जी हो चाहे जो भी लोग हैं, वो पार्क सबके लिए सार्वजनिक है, पार्क सबके लिए, सब लोग अपना आ सकते हैं, आए योगा करें, ध्यान करें, वृक्षारोपण करें ज्यादा से ज्यादा। सुशील मोदी जी को नया पार्क में आकर के स्वयं अपने हाथ से वृक्षारोपण करें। अरुण कुमार सिन्हा, उनको भी कार्यक्रम में बुलाया गया था, वो नहीं पहुंचे, वो रहना चाहिए। जो भी उनको जनता ने चुन करके विधायक बनाया है, इस तरीके से अपना विधायकी का दुरुपयोग ना करें। और यहाँ पे जनता पूरी तरीके से एकत्रित है, यहाँ पार्क दिया गया है जनता लोग के लिए, आम जनता भी के लिए, तो प्रतिनिधि जो होते हैं उनको यहाँ उपस्थित रहना चाहिए। नीतीश कुमार जी, फूलपुर से चुनाव लड़ने वाले हैं, क्या कहेंगे सर? इंडिया से अब एनडीए डर गया है क्या? हो गया। अब जातीय जनगणना का देख लीजिए, नीचे देख के उतरे। जातीय जनगणना जो हम लोगों ने कहा था कराने के लिए, वो तो कोर्ट से आदेश मिला, वहाँ तो भाजपा हार गई, यहाँ तो भाजपा हार गई। 24-25 में भी सुपर स्टाफ हो जाएगा भाजपा का, इसीलिए जो यहाँ के विधायक है डर गए हैं, इसीलिए नहीं आए। अरे बीजेपी का लोग तो डरपोक है, कहाँ है डरपोक विधायक, नहीं आए।